हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले रेलवे जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी थी, जैसा कि आप सभी को पता है 22 मई से आपका 2 जून तक जिसके एग्ज़ाम चले थे आरआरबी जेई के सीवीटी के एग्ज़ाम। और यहाँ पर जो है मैंने आपको बताता भी रहा था कि जो एग्ज़ाम कैंसिल होते रहे थे, तो काफ़ी जोन के एग्ज़ाम और काफ़ी शिफ्ट के एग्ज़ाम जो है आरआरबी जेई सीवीटी बन के कैंसिल हुए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आज एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। उस एग्ज़ाम का यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, साथ ही उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई छात्रों की, ठीक है। तो उस लिस्ट के बारे में भी देखेंगे और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी लेते हैं। तो छात्रों के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बुरी खबर है ये, ठीक है। और जिन छात्रों का एग्ज़ाम ये अच्छा नहीं हुआ होगा तो उनके लिए अच्छी खबर भी हो सकती है, और जिनका अच्छा हुआ होगा उनके लिए बुरी खबर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब जो एग्ज़ाम आपके कब हो सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स सब्जेक्ट, यहाँ पर नोटिस ऑफ रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ सीबीटी बन ऑफ सीएन नंबर 032018 ऑन 22/5/2019 फर्स्ट शिफ्ट सेंटर कोड 413। जिन छात्रों का 22/5/2019 की डेट में फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, जिस सेंटर कोड 413 है, जिस सेंटर कोड 413 में जिनका 22/5/2019 की को फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम था सिविल वन, उन सभी छात्रों का यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आज की 13 जून का एक नोटिफिकेशन आज की डेट में आया हुआ है, उस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं आरआरबी कोलकाता जोन की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि सीबीटी वन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ जेई डीएमएस सीएमए ऑफ सीएन नंबर 032018 हेल्ड ऑन 22/5/2019 फर्स्ट शिफ्ट एट सेंटर इलेगोन मार्टिन वन बिजनेस पार्क सीट नंबर 7A BP3 ब्लॉक सेक्टर 5 विधान नगर कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि एड्रेस फुल दिया है, ठीक है, एड्रेस भी दिया है और सेंटर कोड यहाँ पर जो है 413 दिया हुआ है। और 22/5/2019 को इस 413 वाले सेंटर कोड में फर्स्ट शिफ्ट का जिन्हें छात्रों का एग्ज़ाम था आरआरबी कोलकाता जोन में, उनका यहाँ पर जो है कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट के कारण, ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट इन द सर्वर, किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण यहाँ पर छात्रों का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। द लिस्ट ऑफ 139 कैंडिडेट्स हुज एग्जाम इज ट्रीटेड एज कैंसिलेड इन द इंडिकेट बिलो, यहाँ पर 139 छात्रों की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है जिनका कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ बोला गया कि ऑल दीज अफेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू SMS एंड ईमेल इन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल एंड ईमेल ID अबाउट द न्यू डेट ऑफ CBT एग्जाम। यहाँ पर बोला गया है कि जिन छात्रों का टेक्निकल इशू की वजह से जिन छात्रों को कैंसिल किया गया 139 छात्रों का एग्ज़ाम, उन छात्रों का उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के SMS से और ईमेल ID के थ्रू उनको जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो भी अबाउट द न्यू डेट ऑफ CBT वन एग्जाम। जैसे ही उनकी CBT वन की नई एग्जाम डेट आती है उनको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा उनके SMS और ईमेल के थ्रू। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट, और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आता है आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। और टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको एकदम लेटेस्ट ऑफिशियली अपडेट सभी वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आरआरबी कोलकाता जोन का ये नोटिफिकेशन है, उसके बाद यहाँ पर नीचे लिस्ट भी दी गई है, 139 छात्रों की लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 39 छात्रों की लिस्ट है। और यहाँ पर जो है आरआरबी कोलकाता जोन है, एग्जाम डेट भी दी हुई है 22/5/2019 में, फर्स्ट शिफ्ट का है, रजिस्टर्ड नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड नंबर दिया हुआ है, ठीक है, रजिस्टर्ड जो नंबर था आपका, ठीक है, और रोल नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है और रीज़न भी दी है कि किस कारण से आपका जो एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है, तो टेक्निकल इश्यू के कारण आपका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सभी छात्र टेक्निकल इश्यू जिन जिन का इसमें नाम है वो सभी छात्र अपना यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को आरआरबी कोलकाता जोन की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स की बात की जाए कि जो एग्ज़ाम है कब तक कंडक्ट करवा दिए जा सकते हैं, जो टेक्निकल इशू के कारण बताए गए हैं कि कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर जो है आरआरबी जेई के एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करवाया गया था, बहुत ही कह सकते हैं आप, मैं क्या कह सकता हूँ, मान लीजिएगा बहुत ही हम कह सकते हैं कि पुअर क्वालिटी के एकदम जो है इतना कर दिया, इतना एग्ज़ाम कैंसिल करवाए हैं,
इतनी शिफ्ट के एग्जाम कैंसिल करवाए हैं और इतने सेंटरों के एग्जाम इस बार मैंने देखा था आरआरबी जेई के एग्जाम जो है कैंसिल हुए हैं, और मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराता रहा हूँ जिन जिन का शिफ्ट के एग्जाम कैंसिल होते रहे हैं, सभी के मैंने शिफ्ट के करवाए थे वीडियो प्रोवाइड आपके लिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इतने एग्जाम, बहुत ज्यादा संख्या में छात्रों के एग्जाम कैंसिल हुए हैं आरआरबी जेई के, ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही पुअरली काम किया गया था आरआरबी जेई के लिए जो यहाँ पर इतने एग्जाम कैंसिल किए गए थे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी एग्जाम की बात की जाए तो मैं उम्मीद है आपका यहाँ पर जो है 20 जून तक उम्मीद है आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें बोल दिया जाए कि आपका एग्जाम कब होगा, आप अपना सिटी इंटीमेशन डेट टाइम सभी कुछ चेक कर सकेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये था अपडेट आज का, और आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना होगा। धन्यवाद उस वीडियो देखने के लिए।